Hello friends, today we will discuss the section 300 of Indian Penal Code, that is murder. Murder, hatya, jise Hindi mein hatya kahenge. Aur yah hatya aur murder, Indian Penal Code ki dhara 300 ke antargat, ek sabse gambhirtam apradh hai aur dand ki matra ke अनुसार अगर कहा जाए तो यह भारतीय दंड संहिता का सबसे गंभीरतम सबसे गुरुतर ये अपराध है और इसे कैपिटल अफेंस भी कहा जाता है। मानव प्राणी के विरुद्ध मानव प्राणी के द्वारा कारित किया गया यह गंभीरतम अपराध होमिसाइड, ये वर्ड लैटिन टर्म है और यह लैटिन भाषा के शब्द होमो का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति और सेडेर का अर्थ होता है काटना मारना। इस प्रकार होमिसाइड का अर्थ होता है मित्र किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाई ए ह्यूमन बींग, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाई ए ह्यूमन बींग। परिणाम स्वरूप यदि किसी जानवर की मृत्यु होती है तो यह अपराध अटैक्ट नहीं होगा बल्कि क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 अटैक्ट होगा। यह अपराध मानव के द्वारा मानव की हत्या पर ही आकर्षित होता है। होमिसाइड इन किलिंग के प्रत्येक मामले में दोषिता शामिल नहीं है, दोषिता जनरल एक्सेप्शन के तहत जो सेल्फ डिफेंस है या कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें यह दोषिता शामिल नहीं है। जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत कंसेंट के मैटर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के मैटर, दुर्घटना के मैटर, मिसफॉर्चून के मैटर, दुर्भाग्य के मैटर, इसके तहत जो है दोषिता शामिल नहीं। होमिसाइड को दो फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है, होमिसाइड हत्या बध को दो फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है मित्र, एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और दूसरा जस्टिफाइएबल होमिसाइड। एक्सक्यूजेबल होमिसाइड जो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है और जनरल एक्सेप्शन में जो धाराएं हैं 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, सेक्शन 100, ये धाराएं जो हैं एक्सक्यूजेबल होमिसाइड के अंतर्गत आती है और जस्टिफाइएबल होमिसाइड जो है सेक्शन 299, 300, 301, 302, 304A, 304B, 305, 306, ये जस्टिफाइएबल होमिसाइड है। अब मित्र हम कुछ ऐसे हम लोग जो है शब्दावलियों की बात करेंगे जो इस चैप्टर में इस धाराओं को जिक्र करने में अक्सर उनका उद्धरण आया है, उनकी बात कही गई है, उन शब्दावलियों का अपने आप में क्या अर्थ होता है जरा उसके बारे में भी हम लोग देख लें ताकि इस धारा को गहनता से, सुलभता से और सहजता से आत्मसात करने में हमें आसानी होगी। पहला शब्द हम बात करेंगे हूएवर काजेज डेथ। जैसे ही किसी मानव की मृत्यु होती है मित्र, एक मानव के द्वारा एक मानव की मृत्यु होती है, यह धारा जो है आकर्षित होती है। यह मृत्यु कैसे होगी? स्ट्राइकिंग, किसी मानव को मारा जाए, पॉइजनिंग, उसको जो है जहर दिया जाए, ड्राउनिंग,
पानी में डुबा दिया जाए, और स्टार्विंग उसको भूखा रख के मार दिया जाए। और भी तमाम 100 वर्ड तरीके हैं जो किसी व्यक्ति की हत्या के लिए जो है दरिंदगी करने के लिए लोग काम में लेते हैं। तो ये बात करें कि इस प्रकार से किसी की मानव की मृत्यु, इवन अगर बच्चा है माँ के शरीर से, उसका कोई पार्ट अगर बाहर निकल आया है, अगर उसकी भी मृत्यु कारित होती है, तब भी जो है यह पेनल सेक्शन जो है अट्रैक्ट होगा, बल्कि ये 299 अट्रैक्ट होगा। इवन पूरी तरह से प्रसव संपन्न न हुआ हो तब भी जो है वो बध माना जाएगा। इलीगल एक्ट का मतलब मित्र ऐसा है कि इलीगल एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक इसकी यह सिमिलेंस है, यह जो है पहचान है, ये संकेत है कि एक इलीगल वर्क जो एक्ट जो है एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा प्रतिषेधित कार्य। नंबर दो, विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर ए सिविल राइट, सिविल एक्शन, जो कि एक सिविल जो है एक जो है कार्यवाही के लिए आधार बनाता है। ये एक इलीगल कार्य है जिसके अगेंस्ट में कोई सिविल एक्शन जो है योजित कर किया जा सकता है। नंबर दो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। एक्ट आर ओमिशन मित्र, एक्ट आर ओमिशन दोनों ही इस पदावलियों में आता है, कोई कार्य किया जाए कोई कार्य ना किया जाए, जिसको हम करने के लिए लीगली बाउंड हैं, अगर वो कार्य हम नहीं करते हैं, ओमिट कर जाते हैं, तब भी हम उतने ही दायी होंगे जब किसी कार्य को करके होंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई नर्स है किसी बच्चे को उचित देख रेख और उसको भोजन देने के लिए डेप्यूटेड है, डेप्लॉयड है, अगर वह ओमिट कर जाती है तो वह उसके लिए दायी होगी। जेलर है, उसके अंडर में तमाम कैदी हैं, भूखों मार डालता है, वो भी दायी होगा। और कोई संरक्षक है, माँ बाप है, संरक्षक है, एक बच्चे को परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए लीगली बाउंड है, और वो जो है ऐसा न करके बच्चों को भूखा रख के मार देता है, वो भी इसके लिए बाउंड होगा। नॉट लीगली बाउंड का मतलब हो कि हम जो है कानूनी रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे घर के सामने कोई भिखारी आता है, भूखा है, उसको हम खाना देने के बजाय ओमिट कर जाते हैं, नहीं देते हैं, और वह कुछ दूर जाकर के बाद गिरता है, मर जाता है, तो ये लीगली बाउंड हम नहीं है। इस तरह से लीगली बाउंड, नॉट लीगली बाउंड, ये तमाम पदावलियां आती हैं। अब बहुत मेन जो पदावली इसमें इम्पॉर्टेंट है वह है इंटेंशन और नॉलेज। हम लोगों ने इससे पूर्व सेगमेंट में मेंसरिया में और कई धाराओं में 34 में हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। इंटेंशन की बात एक बार और जिक्र कर लें। आशय, ये एक अपराध की जान होती है, एक प्राण होता है। आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है, और वह कार्य हो उसकी ऐसी इच्छा भी रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मित्र, धारा 300 का, मर्डर का, कि आशय पर पूरा ही ये सेक्शन ही अवलंबित है, डिपेंडेड है। आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में जानकारी रहती है, और वह कार्य कारित हो ऐसी उसकी इच्छा भी रहती है। साइमल्टेनियसली नॉलेज की बात कर ली जाए, नॉलेज जानबूझकर, उपेक्षा पूर्वक, लापरवाही पूर्वक, ये सब पदावलियां नॉलेज में आती हैं। जानबूझकर, उपेक्षा, लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य में कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी तो रहती है, लेकिन वह कार्य हो
वह परिणामकारित हो, ऐसी उसकी इच्छा स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से नहीं रहती है। तो मित्र, हम लोगों ने कुछ खास खास पदावलियों का भी जिक्र कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे मित्र धारा 300 की, हत्या एक कैपिटल ऑफेंस की बात करेंगे। ये धारा कहती है कि कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानवबध हत्या है। आपराधिक मानवबध का यहां जिक्र आ गया। आपराधिक मानवबध जो है ये जीन्स है और हत्या उसकी स्पेसीज है। आपराधिक मानवबध एक जो है उसकी जो है जीन्स है, उसकी जाति है, और ये हत्या उसकी स्पेसीज है, उपजाति है। इसके दूसरे शब्दों में प्रत्येक हत्या आपराधिक मानवबध है, लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानवबध हत्या नहीं है। तो ये धारा कहती है मित्र, कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानवबध हत्या है यदि जिस कार्य को कारित की गई है वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। आशय से किया गया है, अभी हम लोगों ने आशय पूर्वक किए गए कार्य की चर्चा की है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डिस्कशन हो रहा है। ये डिबेट बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभप्रद है। हम लोगों ने अभी आशय की बात की। आशय ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट कहता है 300 का, ये आवश्यक तत्व कहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानवबध हत्या है जिस कार्य को किया गया है वह कार्य यदि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। यह को मार डालने के लिए लोडेड पिस्टल छाती में सटा करके क जो है फायर करता है, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या है? ये कंप्लीट आशय की फुलफिलमेंट है और वह दाई होगा इस मर्डर के लिए। सेकंड पार्ट है मित्र, वह कार्य ऐसा है, अभियुक्त जानता है कि कार्य ऐसा है कि उस व्यक्ति की जान लेने के लिए पर्याप्त है जिसे अपहानि कारित की गई है। कोई आदमी है, उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है और वह रोग से शैथिल्य है, ग्रसित है, और ये अक्यूज्ड दरिंदा यह जानता है कि यह व्यक्ति को एक हल्की सी चोट मार दीजिए मर जाएगा, और वह चोट पहुंचाता है, परिणाम स्वरूप वह मर जाता है। यद्यपि उसका क्वांटम ऑफ इंजरी पहुंचाई गई चोट सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन चूंकि वह नोइंगली विलिंगली इंटेंशनली जानता है कि उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, एक हल्की चोट में मर जाएगा, चोट पहुंचाता है और मर जाता है, वह लाइबल होगा। साइमल्टेनियसली अगर उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है और वह चोट पहुंचाता है मर जाता है, और वह इस चीज को जानता नहीं है कि उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, यहां पर यह मर्डर अटैक नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण इस मर्डर धारा 300 का जो बिल्कुल जान है, सेक्शन 300 का सब क्लास थर्ड कहता है मित्र, वह कार्य इस आशय से किया गया है कि अभियुक्त जानता है कि वह कार्य प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। यह को तलवार से क जो है वार करता है और तलवार की चोट से क की मृत्यु हो जाती है। तलवार एक ऐसा असलहा जो धारदार होता है, एक इनसाइज्ड इन नेचर होता है जो कट कर देता है, और ऐसी चोट से फलस्वरूप वह मर जाता है। यहां पर भले ही उसका आशय मृत्यु कारित करने का न हो, लेकिन तलवार से कारित की गई चोट जिससे उसके मृत्यु होती है वह ये जानता है लायबल होगा, इंटेंशनली उसने ऐसा कार्य किया। इस पर एक बहुत ही अच्छी वीरसा सिंह की केस है मित्र, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
नंबर चार है ज्ञान की बात है, तीन धारा 300 उसका सब क्लास फोर, ये ज्ञान की बात करता है, नॉलेज की बात करता है। धारा का सब क्लास फोर यह कहता है, यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि इस ज्ञान से किया गया है कि वह कार्य इतना अत्यधिक खतरनाक है कि सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए क जनाब हैं, व्यक्तियों के समूह पर तोप चला देते हैं। ख है, एक 3 फीट की गली है और एक हेवियर मोटरसाइकिल को 180 फीट की स्पीड में चला रहा है। और ग है, एक कोठरी में जनसमूह बैठा हुआ है, उसी में वो बम फोड़ देते हैं। ये तीनों कृत्य स्पेसिफिकली किसी की मौत कारित करने की बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन तोप चलाने वाला बम फोड़ने वाला और 180 की स्पीड में 3 फीट की गली में मोटरसाइकिल चलाने वाला इतना जानता है कि अगर कोई भी आदमी है इससे मर जाएगा, मरेगा जरूर, ये जानकारी है। इतना जघन्यकृत जानकारी के पूर्णता में यह धारा 300 को अटैक करता है। अब मित्र हम लोग बात करेंगे 300 के अपवादों के बारे में। धारा 300 का यह अपवाद है सडन, पहला है सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन का यह नेचर है कि प्रकोपन कारित किया गया हो, सडन प्रवोक किया गया हो, उत्तेजित किया गया हो। नंबर सेकंड, आकस्मिक गंभीर हो, यह इतना आकस्मिक गंभीर हो कि जिसको प्रकोपित, जिसको प्रवोक किया गया है वह अपना आत्मसंयम खो बैठा हो और प्रकोपन देने वाले की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। ये तो हो सडन प्रोवोकेशन के एलिमेंट्स। और इसके अपवाद के अपवाद है, ये धारा 300 का अपवाद है, उसका भी अपवाद है, प्रोवोकेशन के भी तीन अपवाद हैं। किसी का वध या बदला लेने की भावना से ना या इप्सित न हो, डिजायर्ड न हो, उसकी अंदर की भावना ये न हो कि इसी बहाने किसी से बदला ले लें। दूसरा, किसी लोक सेवक जो विधि द्वारा समर्थित किसी कार्य में प्रवर्तन में लगा है, कोई लोक सेवक है, उसके उक्त कार्य के अगेंस्ट जो है वो जो है प्रकोपित होते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, धारा टेक नहीं होगी, लाइबिल होंगे मर्डर के लिए। नंबर तीन, प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरोध में ये जो है किसी की जान ले लेता है, जब वो व्यक्ति जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरोध में अपना आत्मरक्षा कर रहा। अब धारा 300 का दूसरा जो है जो एक्सेप्शन है मित्र, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दूसरा ये एलिमेंट है इसका कि अगर आप किसी आत्मरक्षा का प्रयोग कर रहे हो तो जितना रिजनेबलनेस है, युक्तियुक्त पूर्ण आपको बल प्रयोग करना चाहिए, उससे आप एक्सीड कर गए हो, किसी की जान ले लिए हो तो आप आपराधिक मानवत के लिए दायी होंगे। एक्सीड इन द पावर बाई पब्लिक सर्वेंट गिवन टू हिम बाई लॉ, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अपने पदाभास में कहीं कार्य कर रहा हो तो वह पदाभास में कार्य करते करते वो जो है व्यक्ति जो है अपनी लिमिटेशन को जो है एक्सीड कर गया और सडन फाइट, अचानक किसी में झगड़ा हो गया हो, डेथ बाय कंसेंट, आप जो है किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी रजामंदी ज्ञापित कर दिए हो, जैसे पुनई फतेमा एक सपेरा था, वह लोगों को विश्वास दिलाता था कि सांप की बाइट में मैं ऐसी उपचार कर देता हूं कि कितना बड़ा भी सांप काटा हो मैं उपचार कर दूंगा तो आदमी बच जाएगा। एक आदमी को सांप से कटाता है और मर जाता है, वह जिला नहीं पाता। तो यहां पर ये जो है डेथ बाय कंसेंट जो है लायबल ठहराया गया। बिरसा सिंह का एक मैटर है स्टेट ऑफ, ये बहुत ही लैंडमार्क मैटर है मित्र, बिरसा सिंह भर स्टेट ऑफ पंजाब में
ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अपील पहुंची, अपीलार्थी ने प्ले लिया कि धारा 300 पार्ट थर्ड को सेटिस्फाई होने के लिए इंटेंशन का प्रूव होना मस्त जरूरी है, यहां पर अभियोजन ने इंटेंशन को प्रूव नहीं किया है इस मैटर में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि प्रोसिक्यूशन मस्ट इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिवली क्या क्या अभियोजन को सुस्थापित करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। नंबर वन, दैट ए बॉडीली इंजुरी इज प्रेजेंट, एक मृतक के शरीर पर जो है घाव का जो है मौजूदगी हो, और वह घाव जो है इस प्रकृति का हो कि जो है मेडिकल एविडेंस द्वारा समर्थित हो। नंबर थ्री, दैट द इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी मस्ट बी प्रूव्ड, वह बॉडीली इंजरी ऐसी हो जिसको कि अभियोजन जो है साबित कर ले गया हो, ये ऑकुलर एविडेंस है या एज वेल एज जो है मेडिकल एविडेंस है, ये प्रोसिक्यूशन इसको प्रूव कर ले गया हो। तो यदि एक बार ये चारों तथ्य अगर इस्टेब्लिश हो गए हों तो यहां पर इंटेंशन नेग्लिजिबल है, ये नगण्य है, इसकी जो है कोई बात समझ में नहीं आती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, ये बहुत ही पैरामीटर चार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिरसा सिंह बस स्ट्रीट ऑफ पंजाब AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 465 के मैटर में होल्ड किया। मित्रों, आज हम लोगों ने हत्या के प्रकरण को बहुत ही बखूबी और बेहतरीन ढंग से डिबेट किया गया, हम लोगों ने इसको समझा, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो है धारा 299 और धारा 300 के बीच में क्या सहसंबंध है, क्या इसको जो है अंतर है, इसको जो है हम लोग समझेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा ये वीडियो जो है करीब 22 मिनट का हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी वीडियो का अवगाहन कीजिएगा तब सब स्टैंड रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, नमस्कार।